है एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्रैश कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर की साइड मूव करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है और कवर करेंगे कहाँ कहाँ से MCQs पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो श्योरली कंडक्ट होगा। लाइक जैसे तुम्हें पता होगा कि MPT का अभी आ चुका है, लास्ट कल शाम को मैंने वीडियो बनाई थी। एंड जैसे MPT का आ गया, ऐसे अदर एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। सो पैनिक ना हो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें। अभी स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। ठीक है, एनिमल्स का क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिव स्टॉक्स। ठीक है, ये तुम थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो 70% जो लिव स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में है, सिर्फ 70% टोटल का। एंड जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो 25 जाता है, मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट बहुत लो है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को हमें एनहेंस करना है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर की प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, कि जो फार्म और या फिर फार्म एनिमल्स हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले डेयरी फार्म्स मैनेजमेंट, कि जो डेयरी में है जो है, ठीक है, एनिमल्स डेयरी में है, उनका कैसे हम करेंगे। लाइक कैटल्स वगैरह होंगे, उनका हम मिल्क के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारी कैटल का सिलेक्शन हम अच्छे से करेंगे, जो गुड ब्रीड की होनी चाहिए, जिसका यील्ड पोटेंशियल अच्छा हो। ठीक है, रेजिस्टेंस अच्छा हो, हम ऐसा लेंगे जो डिजीज फ्री हो। ठीक है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री में यहाँ पे करेंगे, तो डेयरी फार्म में हमें डिजीज फ्री और सूटेबल ब्रीड पेपर चाहिए थी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, यहाँ पे भी हमें ऐसे चाहिए जो प्रॉपर फीड दे हैं एंड वाटर दे एंड हाइजीन वगैरह करे, हेल्थ केयर जो इम्पोर्टेंट है पोल्ट्री में। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन एनिमल ब्रीडिंग तुम देख लेना, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग में यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि इन ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग क्या होता है, व्हेन ब्रीडिंग इन बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। ठीक है, सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में अगर हम ब्रीडिंग करवा देंगे तो इनको बोलेंगे इन ब्रीडिंग। ठीक, इन मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, इन ब्रीडिंग मतलब विद इन द सेम ब्रीड हम क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं। विच क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में करा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, इन ब्रीडिंग के से क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे। इन ब्रीडिंग रेफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज विद इन द सेम ब्रीड फॉर द 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे एनिमल्स में ह्यूमंस की तरह नहीं होता, इनमें ब्रीडिंग ऐसे ही हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवा देते हैं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल का। तो जैसे तुम्हें बताया कि क्लोजली रिलेटेड का होगा तो जो भी डिजीज़ होगी, ठीक है, जो रिसेसिव जो डिजीज़ होगी वो भी क्या होगी, एज लाइक यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन जो क्लोजली रिलेटेड है, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज इज एज फॉलोज। ठीक है, सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ सेम ब्रीड्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। ठीक है, सुपीरियर मेल को लेंगे, सुपीरियर फीमेल को लेंगे एंड उसको क्या कर देंगे, मेटिंग करा देंगे। एंड प्रोजेनी ऑब्टेंड फ्रॉम द सच मेटिंग आर इवैल्यूएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स अमंग आर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्दर मेटिंग। ठीक है, एंड उनको क्या कर लेंगे, फर्दर मेटिंग के कर लेंगे ये सुपीरियर। इन ब्रीडिंग क्या होती है, जब ब्रीडिंग हो इन बिटवीन द एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे। अगर डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। इन ब्रीडिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है, 4 to 6 जो क्लोजली रिलेटेड जनरेशन होती हैं उनके बीच में हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ब्रीडिंग जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है, कि सुपीरियर मेल्स को लें एंड सुपीरियर फीमेल्स को लें सेम ब्रीड के एंड आइडेंटिफाई करवा दें एंड उनकी क्या करवा दें, मेटिंग करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इन ब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी। ठीक है, जैसे कि पता है तुम्हें, इन ब्रीडिंग होगी तो जो भी रिसेसिव अगर कोई डिजीज होगी वो भी अपने आप को क्या कर पाएगी, एक्सप्रेस कर पाएगी, तो ये क्या करेगी, होमोजाइगोसिटी कॉज करती है। दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू एलिवेट द प्योर लाइन इन एनिमल्स। ठीक है, अगर हमें डिजीज को फाइंड करना है तो इन ब्रीडिंग नेसेसरी भी है। इट ऑल्सो हेल्प इन अक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन्स। ठीक है, सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने में एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। ठीक है, लेस डिजायरेबल जीन को एलिमिनेट करने में भी हेल्पफुल होती है। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर देयर इज अ सेलेक्शन एट इच स्टेप इनक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन ब्रीड पॉपुलेशन। ठीक है,
जब सिलेक्शन हो रहा है हर स्टेप पे, तो ये क्या करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। हाउ एवर कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, अगर हम इन ब्रीडिंग कुछ जनरेशन तक कराएं तो चलता है, बट अगर हम कंटिन्यू करें तो ये क्या करेगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कोज कर देगी। वेन एवर बिकम ए प्रॉब्लम सेलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, दस यूजली हेल्प रिस्टोर्ड। अगर देन हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए तो क्या करना है, हमें उसको मेट करवाना है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है, एंड दस यूजली रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड, जिससे क्या होगी, फर्टिलिटी और यील्ड क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। देन हम यहाँ पे बात करें आउट ब्रीडिंग के बारे में। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब अनरिलेटेड एनिमल्स की यहाँ पे ब्रीडिंग होगी, विच मे बी इन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, या तो सेम ब्रीड के बीच में हो सकती है, हैविंग नो कॉमन एनसेस्टर फोर टू सिक्स जनरेशन, मतलब कोई कॉमन, तभी तो इसको आउट ब्रीडिंग बोल रहे हैं, कोई कॉमन एनसेस्टर नहीं है फोर टू सिक्स क्रॉसेस के बीच में और डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में हो, ठीक है। आउट ब्रीडिंग भी तीन टाइप की होती है, अगर हमें फोर टू सिक्स जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे, और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड होगी तो क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे, एंड डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगी तो क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीन टाइप की होंगी, तीनों टाइप की तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, आउट क्रॉसिंग क्या होगी, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगी, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा बता रहा है, देख लो, जैसे आउट क्रॉसिंग क्या होगी, प्रैक्टिस होगी ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है फोर टू सिक्स जनरेशंस में, ठीक है, पीछे तक फोर टू सिक्स जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ऑफिशियल जो ऑफस्प्रिंग होगा इनका इज नोन एज द आउट क्रॉस एंड इट्स द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, लो है, उनके लिए बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, एंड ग्रोथ रेट इन द बीफ कैटल एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें तुम बीफ कैटल वगैरह के ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बात करें, दिस मेथड द सुपीरियर मेल्स ऑफ अ ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड, ठीक है, सुपीरियर का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, सुपीरियर मेल्स विद द सुपीरियर फीमेल, एंड क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू ब्रीड्स, ठीक है, लाइक एक जो है उसको डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसकी, और एक ही क्या है मिल्क प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उनको अगर हम क्रॉस कराएंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसकी दोनों का मतलब जो वैरायटी होंगी या फिर दोनों जो करेक्टर होंगे उसमें आएंगे, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या आएंगे, डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड एंड द प्रोजेनी हाइब्रिड मे बी देमसेल्फ बी यूज टू फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेटिव दे आल्सो सब्जेक्टिव टू फॉर्म इन द इन ब्रीडिंग, ठीक, ये तुम देख लेना। मैनी न्यू एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच, बहुत ज़्यादा एनिमल्स इस अप्रोच से डेवलप भी किए हैं हमने, ठीक है, तुम थोड़ा सा यहाँ पे इनके एग्जांपल भी देख लेना, ठीक है। हिसारडेला इज अ न्यू ब्रीड ऑफ द शीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी एव्स एंड मेरियनो रोम्स, ठीक है, मेरियनो रोम्स और इनको दोनों को क्रॉस करके हिसारडेला एक न्यू ब्रीड बनाई गई है जो कि शीप की है पंजाब में, और जहाँ जहाँ भी चैप्टर में तुम्हें ब्रीड्स के नाम आए वहाँ वहाँ तुम्हें याद रखना है। इंटर स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया स्पीसीज के बीच में होगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसका म्यूल, ठीक है, म्यूल तुम्हें पता होगा, यहाँ पे डायग्राम भी देख पा रहे होगे। कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर आउट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, इन ब्रीड जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जो सीमन है वो हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल बाय द ब्रीडर, ठीक है, यहाँ से सीमन लेके और ब्रीड जो यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे, एंड सीमन में भी यूज इमिडिएटली कैन बी फ्रोजन, ठीक है, अगर इमिडिएट के यूज में है तो इमिडिएटली यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्रोजन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेटर यूज के लिए हम फ्रोजन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आफ्टर द सक्सेस ऑफ द क्रॉसिंग मेल मेच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स ही फेयरली लो, ठीक है, काफ़ी तो ये लो होता है, इवन थोड़ा द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ओवुलेशन ऑफ हाइब्रिड, दूसरे मेथड्स यूज किए जाते हैं बिकॉज ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। दूसरे मेथड्स कौन से, MOET, ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज वन ऑफ सच ऑफ सफरिंग फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट। इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन विद FSH लाइक एक्टिविटी, इसमें क्या किया जाता है, काऊ में ऐसा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है जिसमें FSH लाइक एक्टिविटी होती है तो इंड्यूस द फॉलिकुलर मेच्योरेशन। जैसे तुम्हें पता होगा FSH फॉलिकुलर मेच्योरेशन करवाता है, तो ये वहाँ पे जाके क्या कराएगा,
फॉलिकुलर मैचुरेशन कराएगा एंड सुपर ओवुलेशन कराएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वन एग वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर, नॉर्मली पर साइकिल दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स, वो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस कर देगी। एनिमल इज आइदर मेटेड विद लाइट बॉल एंड या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके हम उसके इतने सारे ऑफस्प्रिंग करवा लेंगे, ठीक है। और एंड फर्टिलाइज्ड एग 8 to 32 स्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी सारे एक में नहीं हो सकते, उनको क्या करेंगे वहाँ से सर्जिकली नहीं, वो नॉन सर्जिकली ट्रांसपोर्ट करेंगे सरोगेट मदर में। सर्जिकली नहीं करना है तो वरना नहीं होगा, नॉन सर्जिकली ट्रांसफर करेंगे सरोगेट मदर में। एंड जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर द अनदर राउंड ऑफ द सुपर ओवुलेशन, ठीक है, वो अनदर राउंड के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोस्ट्रेटेड फॉर किस किस में यूज़ होती है, ये तुम याद रखना, कैटल में, शीप में, रैबिट में, बफेलो में, मेल्स, ठीक है, मेल्स में। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ द एनिमल फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी लर्न मीट विद द लेस लिपिड, ठीक है। यहाँ से हम इन चीज़ों का, ठीक है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें थोड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बी कीपिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लाइक बी कीपिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर बोलें इसको एपिकल्चर। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस करते हैं हम हाइव्स का ऑफ हनी बीज, ठीक है, हनी बीज के हाइव्स का हम यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। तुम्हें पता है कि हनी की कितनी ज़्यादा कॉमर्शियल, ठीक है, डिमांड है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, इनका हाइव्स को मेंटेन करेंगे। इट इज़ बीन एज ओल्ड, ठीक है, पहले से चला आ रहा है, ठीक है, ये तुम पढ़ लेना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है होता है कि यहाँ पे हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। बी कीपिंग थॉट द रिलेटिवली इजी, डज नॉट रिक्वायर सम स्पेशलाइज नॉलेज, ठीक है, बी कीपिंग के लिए कुछ स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बी कीपिंग टीच करते हैं। एंड फॉलोइंग पॉइंट्स तुम्हें सक्सेसफुली रिमेंबर करने हैं, कौन से नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, लाइक तुम्हें किसी को, ठीक है, किसी का मतलब ध्यान रख रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो उसका नेचर का तुम्हें पता होना चाहिए एंड हैबिट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन तुम्हें पता होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, ठीक है, लोकेशन तुम्हें अपना डिसाइड करना, कैचिंग द हाइव्स ऑफ द स्वाम्स, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, एक सीजन के हिसाब से हम उनका मैनेजमेंट करेंगे। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, एंड बीज आर द पोलिनेटर्स ऑफ द मैनी ऑफ अवर स्पीसीज। सो तुम्हें यहाँ पे इनकी जो स्पीसीज हैं वो याद रखनी है, लाइक मैराइन की और तुम्हें फ्रेश वाटर की, दोनों फिशेज याद रखनी है, ठीक है। फ्रेश वाटर की लाइक कैटला, राहू, कॉमन कार्प एंड मैराइन की हिल्सा वगैरह, ठीक है, सारेंडल्स, मैकार्ड, पोमफ्रेट्स, ये तुम्हें याद रखनी है। तुम्हें थोड़ा सा जाके एनसीईआरटी से कुछ स्टडी करना है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, देखें तो, ठीक है, तुम्हें प्लांट ब्रीडिंग किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वैरायटी, ठीक है, वैरायटी का कलेक्शन बहुत अच्छे से करना है। जेनेटिक वैरायटीज इज द रूट ऑफ द एनी ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम, इन मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक varieties available from the wild relatives to cope, ठीक है, collection and preservation of all different varieties species and cultivation, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे collect करना। एंटर यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें important क्या है, entire collection collection करेंगे हम plants का, seeds का, having all their diverse allele for the all gene in a given crop is called germplasm collection। germplasm collection क्या बोलेंगे, entire collection होगा, ठीक है, जिसमें सभी क्या होंगे, सभी diverse alleles होंगे, and evaluation and selection of parents, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये steps याद रखने हैं, steps यहाँ पे important होते हैं। first कौन सा है, collection of variety, second है evaluation and selection of parents, third ये cross breeding among the selected parents, ठीक है, जो second step में parents का selection कर लेंगे, third step में हम क्या कर देंगे, उसकी cross hybridization करवा देंगे, fourth क्या होता है, selection and testing of superior recombinants, ठीक है, हम देख लेंगे superior recombinants कौन से हैं, उनकी हम testing करा देंगे, testing releases the commercials of new cultivates, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा इसके स्टेप्स बस याद रखने हैं। इंडिया इज द मेन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द 33% ऑफ द इंडिया जीडीपी, ठीक है, जो एग्रीकल्चर होता है 33% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चेंजिंग फेसिंग कंट्री वॉज द प्रोडक्शन ऑफ द एनफ फूड्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये हमारे पास चैलेंज था, ओनली यहाँ पे लिमिटेड जो लैंड थी, ठीक है, फिट फॉर द कल्टिवेशन, इंडिया हैज स्ट्राइव टू इंक्रीज द यील्ड पर एरिया, ठीक है, थोड़ी सी कम यील्ड थी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, मतलब कि वो उसके लिए सूटेबल नहीं थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सेवरल हाई यील्ड वैरायटी ऑफ द वीट, राइस एंड द मिंट ऑफ द 90s एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरियस प्लांट ब्रीडिंग लीड टू द डैमेज
सॉरी डेमोक्रेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो हम ये लेके आए हैं, ठीक है, अलग अलग यील्ड्स जो लेके आए हैं जिनकी वजह से हमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रोडक्शन में। दिस फेज इज रेफर टू एज ग्रीन रिवोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वीट और राइस का भी तुम्हें याद रखना है, शुगर केन का भी याद रखना है कि हमने कौन सी वैरायटी को चूज़ किया। ठीक है, ड्यूरिंग 1962-2000 वीट प्रोडक्शन, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वीट प्रोडक्शन की 1962-2000 में क्या था, 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन हो गया था। ठीक है, वीट का एंड राइस का कितना हो गया, 35 टू 89.5 मिलियन टन्स हो गया था। एंड दिस इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट। जब ज़्यादा लंबी वैरायटी होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेमी ड्वार्फ वैरायटी को। ठीक है, तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा जाके पढ़ लेना, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर केन का भी एंड मिलेट्स का भी। ठीक है, एंड प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमें ऐसी जो वैरायटी चूज करनी हो जो डिजीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हमें वैरायटी चूज करनी है, एंड मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हें ये जो टेबल है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप लेनी है, उसकी कौन सी वैरायटी लेनी है एंड रजिस्टर। अगर तुम्हें ऊपर वाला नहीं भी पढ़ते हो, तुम्हें सिर्फ ये टेबल याद कर लेनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये इस चैप्टर में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये टेबल और एक आगे और एक दो टेबल बताने वाली हूँ वो टेबल। ठीक है, तो इस टेबल को बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, चिली है, जैसे चिली की कौन सी वैरायटी है, पूछा सदाबहार है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट है। ठीक है, चिली मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट है। ठीक है, तब एको मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट, लीफ कर्ल के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद करना है। ठीक है, अगर तुम ये याद कर लोगे तो इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम इजिली कर पाओगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर से। अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा भी यहाँ पे कर रखा है तो तुम इजिली कर पाओगे। म्यूटेशन तुम थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे जाके। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट, ठीक है, इंसेक्ट्स के। यहाँ पे जो ये सेकंड टेबल जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पे भी क्रॉप वैरायटी और इंसेक्ट्स पैट्स, ठीक है, ये तीनों चीज़ तुम्हें याद रखनी, लाइक भिंडी है, इसकी ओकरा है, ठीक है, और इसकी वैरायटी कौन सी है, पुष्टा स्वामी, एंड इंसेक्ट्स पैट्स कौन से हैं, शूट एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, किसके लिए, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्रॉप विद अ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होना चाहिए उसमें। ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑयल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आई थॉट तुम ये खुद भी जाके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एंड जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया है, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें देन बाद में हो जाएगा ये टिश्यू कल्चर, तुम्हें जाके देखना है। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है। ठीक है, एंड लास्ट इसमें टिश्यू कल्चर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिश्यू कल्चर तुम्हें जाके देखना होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल थोड़ा सा मैं बता दें, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप द प्लेस विद द डिमांड टू प्रोवाइड द साइंटिफिकली फास्ट एंड इफिशियंट सिस्टम फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए बहुत फास्ट और इफिशियंट सिस्टम है। ठीक है, द टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप, what does the टिश्यू कल्चर means? ठीक है, इट लर्नड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन। ठीक है, लाइक तुम्हें जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो हर किसी चीज़ का कल्चर होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कोई टिश्यू ले रहे हैं उसका हम यहाँ पे कल्चर करवा रहे हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोथ इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, स्टराइल कंडीशन में करेंगे, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स देंगे एंड उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं। कैपेबिलिटी टू जनरेट अ होल प्लांट। ठीक है, वो कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर देगा फ्रॉम एनी सेल एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड टोटिपोटेंशी। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी पूरा प्लांट जनरेट करने की क्या बोलेंगे, उसको टोटिपोटेंशी बोलेंगे। दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। ठीक है, एक टिश्यू से लाइक हम ह्यूमन की भी सेल लेते हैं। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग के लिए ऐसे ही हमने यहाँ पे टिश्यू लिया, जो एक सेल होगी वो जो प्लांट की एक सेल होगी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर पाएगी। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपागेशन बोलेंगे। दिस प्लांट्स विल जनरेट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट्स। ठीक है, सेम आइडेंटिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे तुम आई थॉट तुम यहाँ पे देख लोगे, एंड थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, हमने दोनों का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, ठीक है, डिफरेंट वेराइटी है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, इच हैविंग ए डिजायर्ड करेक्टर, ठीक है, दोनों का डिजायर्ड करेक्टर है, कैन बी फ्यूज टू गेट ए हाइब्रिड, ठीक, प्रोटोप्लास्ट, हमें हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट चाहिए विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, ठीक है, वो क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा, इस हाइब्रिड को क्या बोलेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है, वाइल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें याद रखना है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या लेते हैं, एंड यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल कौन से, जैसे कि हम बता दें पोटैटो का ले लिया हमने, ठीक है, टोमेटो इज फ्यूज विद दैट ऑफ पोटैटो एंड देट आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, टोमेटो और पोटैटो को न्यू हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक हम डेवलप करना चाहते हैं, वेल दिस हैज बीन अचीव रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो, यहाँ पे इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, पोमेटो, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डज नॉट हैव ऑल डिजायरेबल करेक्टर्स, बट इसमें सभी डिजायरेबल करेक्टर नहीं मिले, बट ये क्या था, एक टिश्यू कल्चर का एग्जाम्पल था, तुम्हें टिश्यू कल्चर भी जाके यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा आई थॉट जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट है मैंने तुम्हें सभी कवर करा दिया, इस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करना, ठीक है, एंड फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो, और कोई डाउट्स हो किसी एग्जाम से रिगार्डिंग तो भी कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।